हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि एनबीएस का जो इस बार वैकेंसी आया हुआ है उसमें टोटल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने यहां पर आपके लिए ये डाटा मांगने की पूरी कोशिश की है और उसके लिए मैंने आरटीआई लगाया हुआ है। किन किन मैंने क्वेश्चंस रेज किए हैं जो मैं आपको चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए हैं और किस को मैंने भेजा है आरटीआई का, जो मुझे उनको रिप्लाई देना है, किस कंपनी को भेजा है, किस इंस्टीट्यूट को मैंने भेजा हुआ है। आपके काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे तो चलिए आपको दिखाता हूँ कौन से जो सवाल हैं जो कि आपको परेशान कर रहे थे और उन्हीं का जवाब मैंने यहाँ पर मांगा हुआ है। तो देखते हैं कब तक आपको जवाब मिलेगा, क्या कुछ मैंने यहाँ पर किया हुआ है, चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आरटीआई आपको रिप्लाई दिख रहा होगा, ठीक है, आरटीआई मैंने करी। अब मैंने किन किन क्वेश्चंस पर आरटीआई किए सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे काइंडली प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनबीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। इसमें पहला हमने क्वेश्चन रेज किया कि हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एनबीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024। काइंडली गिव द डाटा पोस्ट वाइज ऑफ ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट वाइज, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट जितनी भी पोस्ट होती है उनमें टोटल पोस्ट, मतलब पोस्ट वाइज मांगा हुआ जितनी भी पोस्ट हैं एनबीएस के अंदर उसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं प्रत्येक पोस्ट में, वो हमने पहला सवाल पूछा। दूसरा पूछा कि हाउ मेनी कैंडिडेट फिल द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट, गिव द कैटेगरी वाइज डाटा अंडर रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021। यानी कि जितने भी कैंडिडेट ने ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है उसका कैटेगरी वाइज जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड कीजिए। तीसरा मैंने लिखा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एंड टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जाम ऑफ एनबीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024, यानी कि इसका एग्जाम कब तक होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मैंने मांगी हुई है। चौथा है कि व्हेन वी विल एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन ऑफ टीचिंग पोस्ट इन एनबीएस इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यानी कि जो अभी देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट की आई है तो टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा वो मैंने यहाँ पर मांगा हुआ है। पांचवा जो सवाल है कि व्हेन विल एडमिट कार्ड रिलीज्ड, तो एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम के कब तक रिलीज किए जाएंगे, ये यहाँ पर मैंने पांच क्वेश्चन आपके मांगे हुए। अब चलिए आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस किस को ये आरटीआई रिप्लाई भेजा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है पहला आरटीआई मैंने जो लगाया है वो लगाया है एनबीएस को, यानी कि नवोदय विद्यालय जो समिति है यहाँ पर मैंने इसको लगाया है। दूसरा आरटीआई जो रिप्लाई मैंने लगाया यहाँ पर वो लगाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ठीक है। तो दो मैंने यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई लगाए हुए आपके, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को, क्योंकि एनटीए के द्वारा आपके फॉर्म भरे गए थे। दूसरा मैंने यहाँ पर डाटा लगाया एनबीएस को, क्योंकि हो सकता है इसका डाटा एनबीएस के पास हो, तो जिस किसी के पास भी ये डाटा होगा वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो एक दो दिन का वेट कीजिए, जैसे ही इसकी जो जानकारी आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं जस्ट आपको एक घंटे में उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए और क्लासेस आपकी आज से और अभी से रिज्यूम में करने वाला हूँ, तो मिलिएगा सेकंड चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके पर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।